आम आदमी पार्टी ने पांच चेहरे जिहड़े ने ओह राज्य सभा दे विच भेजे ने, हालांकि दो चेहरे नूं लैके काफी ज्यादा विवाद है। इहदे विच संदीप पाठक ते नाल ही जे गल की जाए राघव चड्ढा नूं लैके काफी ज्यादा विवाद चल रहा है ते कहा जा रहा है ये बाहरी चेहरे ने। हालांकि संदीप पाठक नाल गलबात करदे आं क्योंकि उन्हां दा कहना है कि तीन साल मैं पंजाब दे विच डेरा लाया होया सीगा, IIT दे विच प्रोफेसर जिहड़े ने ओह रहे ने संदीप पाठक जी। कहा जांदा है कि चाणक्य ने मास्टरमाइंड ने जे आम आदमी पार्टी दी पंजाब दे विच एड्डी वड्डी जित होई है तो उहदे पिछे संदीप पाठक नूं इक वड्डा जिहड़ा है इसका क्रेडिट दिता जा रहा है। संदीप पाठक जी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि आपका नाम जो है वो भेजा जाएगा राज्यसभा के लिए, आपको नॉमिनेट किया जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। जब आया तब आपने क्या रिएक्ट किया, आपका पहला रिएक्शन क्या था? इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग दो, बहुत ऑब्वियसली जब आप रिकॉग्नाइज होते हो अपने काम के लिए तो अच्छा लगता है, और फिर अब जिम्मेदारी बढ़ रही है तो मुझे पोस्ट मिलने या ये सब मिलने से ज़्यादा की खुशी से ज़्यादा मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। तो अब देखते हैं, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की मेहर से खूब मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। अच्छा संदीप जी, एक कंट्रोवर्सी साथ के साथ ही शुरू हो गई जब आपका नाम सामने आया कि क्यों पंजाब से चेहरा जो है चूज नहीं किया गया, जबकि पंजाबियों ने इतनी बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी को दिलाई है, तो फिर आखिर बाहर से चेहरा क्यों जो है भेजा गया राज्यसभा में? मुझे नहीं लगता इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी है, बेसिकली जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और मैंडेट जो है बहुत क्लियर है, तो अभी जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए जो भी हमारे विपक्षी दल के हैं, और उनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी द नीड ऑफ द आर इज टू गेट इनटू द बिजनेस एंड स्टार्ट डिलीवरिंग, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंट्रोवर्सी ऑन दिस। संदीप जी, ये कहा जा रहा है कि शायद पंजाब के मुद्दों को आप इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जितना कोई पंजाबी कर पाता। समय बताएगा। देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए और सेवा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है जुनून होना और अपने दिल में एक भाव होना कि मुझे सर्विस करना है, सेवा करनी है, बाकी वी विल सी। ये बताया जा रहा है कि चाणक्य थे आप, जो जितनी भी प्लानिंग की गई मास्टरमाइंड इसके पीछे आप थे। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है उसका क्रेडिट जो है आपको दिया जा रहा है। वेल, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के, बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट, हमारी पार्टी में हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे लीडर, हमारे चाणक्य सिर्फ एक ही है और वो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी। हम सब एक माध्यम है, जो रोल हमें मिला था हमने एग्जीक्यूट किया। सबसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ये सारा क्रेडिट अपने पंजाब के संगठन को देना चाहता हूँ। अच्छा संदीप जी, कितनी देर से आप पंजाब में हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर देख रही हूँ सब लीडर्स आपसे मिल रहे हैं, MLAs आपसे मिल रहे हैं, क्या आपकी इनसे पहले से मुलाकात जो है होती रही है और कितनी देर से आप पंजाब में हैं? हाँ, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, हम सारे ने मिलके काम किया है और सबसे मेरा पर्सनल रिलेशन भी है और ये सब ने जीत में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो यस आई नो ऑल ऑफ देम। अभी आप ये बताया जा रहा है 3 साल से यहीं पर थे, तो क्या आपने अभी अपनी जॉब से जो है इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा जा रहे हैं? यस आई हैव रिजाइन। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा कह सकते हैं कि कितनी बड़ी काबिलियत रहेगी, या कह सकते हैं कि कितना कैसे कह सकते हैं कि राज्यसभा में आपको लगता है कि जरूरी था जाना आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक जो है बहुत ही कम जो मेंबर्स आपके वहां तक पहुंचे। पार्टी बड़ी हो रही है, पार्टी एक्सपैंड हो रही है, जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो जनता का जैसे जैसे आशीर्वाद और प्यार मिलते जाएगा सब जगह नंबर बढ़ेगी। संदीप जी, आपको और भी जगहों की जिम्मेदारी जो है दी गई है, अब कहाँ कहाँ के लिए और भी प्लानिंग में आप लगे हुए हैं? तो अब अगला काम गुजरात पे शुरू करेंगे।